रोहतक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने बीजेपी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। हवन पूजा कर बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के साथ संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी यहां पर शामिल हुए। हरियाणा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव प्रबंधन कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी। उनसे जानते हैं जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसका क्या मकसद है। जी बराला जी, देखिए हमारा ये जो चुनाव प्रबंधन का कार्यालय है यानी कि वार रूम है, इसका विधिवत उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। हमारी जो पूरी लोकसभा की चुनाव को चलाने की जो हमारी एक कार्यप्रणाली रहेगी, जो हमारी कार्यक्रम रहेंगे, ऐसे सब कार्यक्रमों का संचालन पूरी तरह से इस प्रबंधन कार्यालय से होगा, इस वार रूम से होगा। और यहाँ की टीम निचले स्तर पे, चाहे लोकसभा है, जिला है, मंडल है, विधानसभा है, शक्ति केंद्र है, बूथ है, वहाँ पर होने वाली सभी जो गतिविधियाँ हैं और सभी राजनीतिक गतिविधियाँ, उनको पूरी तरह से यहाँ से केंद्रित करके संचालित करने का काम यहाँ इस कार्यालय से हमारा होने वाला है। सर, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में थे, उनका कहना था कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, खामखा का मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को पूरी ताकत के साथ ये बताएगी कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता और अखंडता से खेलने का जो प्रयास कर रही है, ये जो पहले भी इसके गंभीर परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतने पड़े हैं, इस प्रकार के जब जब उन्होंने कदम उठाए और अब जो इन्होंने देशद्रोह का जो कानून खत्म करने की बात कही है, हमारी सेनाओं के हाथ बांधने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि सेना के हाथ से सारे के सारे अधिकार ले लिए जाएंगे, अर्ध सुरक्षा बल हैं, हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके हाथों से सारे अधिकार ले लिए जाएंगे जो आतंकवादियों के ऊपर वो कार्रवाइयाँ करते हैं। इससे बड़ा घिनौना कोई घोषणा कोई दूसरी पार्टी जो आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है पूरे देश में, वो कर नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा भी ये कहते हैं कि लोकसभा जो रोहतक लोकसभा है वहाँ उम्मीदवार इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उन्होंने विकास कार्य करवाए नहीं। देखिए, ये गलत फहमी इन लोगों की, कैंडिडेट तो इन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। हमने तो घोषणा कर दी ना, 8 सीटों की हम घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट की घोषणा नहीं की। 2 सीटें हमने रणनीतिक रूप में बचा करके रखी हैं, कांग्रेस पार्टी से पूछ करके घोषित नहीं करेंगे। कौन उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सब लोगों को हराए, ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। कब तक हो जाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगी। ये थे सुभाष बराला जी, जिनका स्पष्ट कहना था कि जो एक रोहतक और हिसार लोकसभा के लिए एक रणनीति बना रहे हैं और 10 की 10 सीटें जीतने का वो दावा भी कर रहे हैं। खबरें के लिए रोहतक से कैमरामैन अमित के साथ मैं सुरेंद्र सिंह।